गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स पिछली डांस क्लास में हमने कुछ परिभाषाएं सीखी थी और उसका वर्णन मैंने किया था शायद आपने उसको रिवाइज किया होगा सम ताली खाली विभाग तिहाई और आज की क्लास में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे ताल ताल की मात्राएं और लय ठीक है तो पहले आप अपनी नोटबुक निकालिए तो उसमें हम परिभाषाएं लिखेंगे और उसको मैं आपको बाद में वर्णन करके बताऊंगी तो बच्चों यह है ताल ताल की परिभाषा इस प्रकार है समय की गति को नापने का पैमाना या साधन ही ताल होता है अर्थात समय को नापने की क्रिया ही ताल कहलाती है संगीत में गायन वादन एवं नृत्य की लंबाई ताल द्वारा ही आंकी जाती है ताल कई प्रकार की होती है जैसे तीन ताल दादरा झपताल कहरवा आदि इसको लिख लीजिए फिर है मात्रा संगीत में लय और ताल को नापने के साधन को मात्रा कहते हैं मात्रा ताल की सबसे छोटी इकाई होती है मात्रा के छोटे या बड़े हो जाने से लय विलंबित मध्य या द्रुत हो जाती है मात्राओं की संख्या से ताल मालूम होता है जैसे तीन ताल में सोलह मात्रा झप ताल में दस मात्रा और दादरा में छह मात्रा आदि अगली है लय किसी भी ताल की मात्राओं के बीच आने वाली विश्रांति या ठहराव को लय कहते हैं जिसे बराबर अंतर पर ताली देकर नापा जाता है लय के तीन प्रकार हैं विलंबित लय मध्य लय और द्रुत लय विलंबित लय इस लय की गति बहुत धीमी होती है यदि हम हाथ से बहुत धीरे धीरे ताली लगाएं तो वह गति विलंबित कहलाएगी इस लय में थाट उठान रंगमंच प्रणाम आदि दिखाए जाते हैं मध्य लय मध्य लय की गति विलंबित लय से ठीक दुगनी होती है न, बहुत ना तो धीमी होती है और ना ही बहुत तेज होती है बीच की लय को मध्य लय कहते हैं तोड़े टुकड़े परन आदि इसमें नाचे जाते हैं द्रुत लय इस लय की गति मध्य लय से ठीक दुगनी होती है द्रुत लय की गति बहुत तेज होती है इस लय में गत निकास गतभाव आदि दिखाए जाते हैं तो बच्चों ताल समय की गति को नापने का पैमाना या साधन ताल होता है यानी कि जो भी आप गाना गाते हैं वो कौन सी उसकी लंबाई कैसी है कहाँ पर ठहराव आ रहा है उसको देखते हुए उसके ऊपर ताल सेट की जाती है कि ये इस ताल में ही आएगा उसकी लंबाई गाने में कितनी बार तान खींची गए गई है उसी प्रकार जो आप डांस करते हैं आपने देखा होगा भंगड़ा डांस करते हैं फोक डांस करते हैं उसमें तीन ताल नहीं बज सकती उसमें कहरवा ही बजेगा क्योंकि वो उसी प्रकार से गाया जाता है जनरली जो फोक सॉन्ग्स होते हैं वो कहरवा ताल के अंदर आते हैं और जो भजन होते हैं वो दादरा और कहरवा दोनों में किए जाते हैं उसी प्रकार जो नृत्य के बोल हैं अगर वो बोल तीन ताल का है तो झपताल की ताली लगाएंगे तो वो उसके सम से सम पे खत्म नहीं होगा तीन ताल का बोल बोल किस प्रकार से चल रहा है कितनी बोल एक आवर्तन में आ रहे हैं उसके हिसाब से ताल आ की जाती है कि इस नृत्य के बोल पर या इस गाने के बोल पर यह ताल बजाई जाएगी ठीक है तो ताल आपको समझ आ गई उसी प्रकार मात्रा अब तालों के ऊपर मात्राएं बनी होती हैं तो वो मात्रा क्या होती है सबसे ताल और लय को नापा जाता है सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी ताल की और इससे लय और ताल को नापते हैं जैसे कि तीन ताल में सोलह मात्रा होती है तो सोलह मात्रा अगर किसी ताल के अंदर है तो हम एकदम से बता देंगे कि यह तीन ताल है किसी ताल के अंदर अगर दस मात्राएं आ रही हैं तो हम फट से बता सकते हैं कि झपताल है उसी प्रकार आपको मैंने दादरा और कहरवा भी समझाया था जो कि दादरा छः मात्रा कहरवा आठ मात्रा की ताल होती है तो अब मात्रा के छोटे और बड़े हो जाने पर यानी कि एक मात्रा से दूसरी मात्रा की दूरी कम या ज्यादा होने पर वह विलंबित मध्य या द्रुत कहलाती है आगे समझ में वो किस प्रकार होती है वो मैं आपको अभी समझाऊंगी आ, पहले आप ये जान लें कि मात्रा एक मात्रा दूसरी मात्रा की दूरी अगर कम है तो जल्दी जल्दी चलेगी तो द्रुत लय होगी एक मात्रा से दूसरी मात्रा एक दो तीन चार तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं या फिर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ यानी कि पास पास हो गई तो वह मध्य लय होगी उसी प्रकार और उसकी दूरी कम हो जाएगी मात्राएं छोटी मात्राएं हो जाएंगी तो वह द्रुत कहलाएंगी तो बच्चों अब लय अब जो मैंने बोला ना आपको एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच में जो ये ठहराव है इसी को हम लय कहते हैं मात्राएं अगर छोटी हो गई जैसे मैंने मात्रा के अंदर समझाया तो वो लय द्रुत लय हो गई अगर वो बड़ी यानी कि एक मात्रा से दूसरी मात्रा की दूरी जो है वो ज्यादा हो गई जो ठहराव अभी मैंने आपको समझाया था कि दो मात्राओं के बीच जो आने वाली विश्रांति या ठहराव लय होती है अगर ठहराव ज्यादा हो गया तो लय विलंबित हो जाएगी अगर उससे थोड़ा कम हुआ तो मध्य लय हो गई और भी कम हो गई विश्रांति यानी कि धा और धिन के बीच में दूरी जो है कम हो गई तो वो द्रुत लय हो जाएगी आगे समझ में तो ये आपको समझ आ गया होगा जो विलंबित लय है उसके अंदर थाट उठान रंगमंच प्रणाम आपको मैंने सिखाऊंगी अभी मैं तो वो उस पर नाचे जाते हैं क्योंकि वो स्लो लय धीमी लय पे होते हैं उसी प्रकार मध्य लय के अंदर हम आपको मध्य लय के तोड़े टुकड़े करवाएं परन करवाई है तो वो मध्यलय में नाची जाती है उसी प्रकार द्वित लय जो जो है उसके अंदर गत निकास और गत भाव नाचे जाते हैं कवित नाचा जाता है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा लय किसे कहते हैं मात्रा किसे कहते हैं और लय मात्रा ताल किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं तो आप इसका पढ़िए इसको इसका अभ्यास कीजिए